चंद्रपुर में जागतिक व्याघ्र दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ अनेक मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान वन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का विशेष सत्कार किया गया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण साथ ही पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज 29 जुलाई को वन प्रबोधिनी चंद्रपुर में जागतिक व्याघ्र दिन मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, विधायक किशोर जोरगेवार, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण के सचिव तथा अतिरिक्त महानिदेशक SP यादव, अतिरिक्त महासंचालक वन्य जीव विभाष रंजन, महाराष्ट्र के वन बल प्रमुख डॉक्टर YLP राव, महाराष्ट्र के मुख्य वन संरक्षक सुनील में अमित मलिक आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम मान्यवरों का स्वागत किया गया। इस मौके पर मान्यवरों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। वहीं मान्यवरों के हाथों उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेरियार केरल के वन अधिकारी गणेश एम, काना मध्य प्रदेश के मेहरू सिंह मेहरापे, काना के जोधा सिंह बघेल, सातपुड़ा मध्य प्रदेश के अनिल चौहान, केरल के धीरू कोमल, तमिलनाडु के तिरुमथान और मीना कालन का नगद रुपए तथा सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का प्रस्तावित मुख्य वन संरक्षक सुनील लिमे ने किया। वहीं संचालन श्वेता शिलगांवकर ने किया। आभार अमित मलिक ने माना। कार्यक्रम की शुरुआत में परेड संचालन किया गया, साथ ही कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत से हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अजय गुलाने, पुलिस अधीक्षक अरिंद सालवे, चंद्रपुर वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक प्रवीण लोनकर, ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगांवकर, बफर के उप संचालक जी गुरु प्रसाद, ब्रह्मपुरी वन विभाग के उप वन संरक्षक जितेश मल्होत्रा के साथ वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सिटी के हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।